स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे नाइन्थ क्लास में पॉलिनोमियल चैप्टर में हम किसी भी पॉलिनोमियल की किसी पॉइंट पर वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, और दूसरा हम देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम। पहली बात यह है कि अगर सपोज करो आपके पास कोई पॉलिनोमियल है या एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, आपसे कहा जाए कि x इक्वल टू जीरो पर, या x अगर हमें जीरो दिया हुआ है तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होगी, तो कुछ नहीं करना, हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ जीरो रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो का क्यूब प्लस टू इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो प्लस वन। जीरो का क्यूब अर्थात जीरो इंटू जीरो इंटू जीरो, जीरो का जीरो में कितनी बार मल्टीप्लाई करो जीरो आता है, जीरो का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करो जीरो आता है। तो ये क्या हो गया आपका, जीरो का क्यूब जीरो, जीरो का स्क्वायर कितना होगा जीरो, तो इसको हम लिख सकते हैं टू इंटू जीरो, ये क्या है जीरो और ये कितना है वन। अब क्या होगा, जीरो टू इंटू जीरो कितना होगा जीरो, और जीरो प्लस वन वन होगा, तो जीरो को ऐड करेंगे तो कितना आएगा वन। तो कहने का अर्थ यह है कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आई। अगर सपोज करो कि हमारे पास कोई और पॉलिनोमियल गिवन है पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस वन, इसकी एक्स इक्वल टू वन पर, एक्स इक्वल टू वन पर इसकी वैल्यू क्या होगी, करना वही है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हमें क्या रखना है वन रखना है। तो एक्स के प्लेस पे हम वन कर देंगे, पी वन एक्स को वन से रिप्लेस करेंगे, तो वन का क्यूब माइनस थ्री, ये क्या हो जाएगा वन का स्क्वायर, और ये सेवन इंटू वन माइनस वन, वन का क्यूब, क्यूब मतलब वन इंटू वन इंटू वन, वन वन जा वन जा वन, तो वन का कितनी पावर लगा दो वो वन आता है, तो वन का क्यूब कितना होगा वन होगा, माइनस थ्री, यहाँ वन का स्क्वायर कितना होगा वन होगा, सेवन वन जा सेवन, और ये कितना हो गया माइनस वन, तो ये क्या हो गया वन माइनस थ्री प्लस सेवन माइनस वन। ये वन से वन क्या हो रहा है, कट रहा है, या पहले हम माइनस वाले ऐड कर देते प्लस वाले, सेवन ओवन कितना हो गया आपको सेवन प्लस वन एट, और थ्री ओवन कितना हो गया फोर। जो आप याद रखिएगा, प्लस प्लस के नंबर हमेशा ऐड होंगे साइन प्लस का आएगा, माइनस माइनस वाले नंबर भी ऐड होंगे साइन माइनस का आएगा, लेकिन अपोजिट साइन होंगे, प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो तो सब्ट्रैक्ट होंगे, और जो साइन होगा वो बड़े नंबर का आएगा जो बड़ा होगा, जैसे यहाँ पे एट और फोर है, एट बड़ा है इसलिए प्लस आएगा, एट में से फोर गए कितना बचेगा आपका फोर बचेगा, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो गई फोर हो गई। अगर सपोज करो कि हमसे कहे इसी पॉलिनोमियल में x इक्वल टू टू गिवन है, अब x इक्वल टू टू है तो हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ फिर से वही है कि अगर इसकी वैल्यू निकालना है तो x के प्लेस पे क्या डाल देंगे हम टू, तो जैसे ही हम यहाँ टू लिखेंगे तो x के प्लेस पे टू का क्यूब माइनस थ्री टू का स्क्वायर प्लस सेवन इंटू टू माइनस वन, तो टू का क्यूब कितना होगा टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, ये कितना हो गया थ्री, टू टू जा फोर प्लस ये कितना हो जाएगा सेवन टू जा फोर्टीन माइनस वन, तो ये कितना हो गया एट, थ्री फोर जा ट्वेल्व प्लस का फोर्टीन माइनस का वन, फोर्टीन और एट कितना होगा आपका ट्वेंटी टू, माइनस ट्वेल्व और वन कितना होगा थर्टीन, अब ट्वेंटी टू में से थर्टीन जाएगा तो कितना बचेगा नाइन, मतलब इस पॉलिनोमियल की जो एक्स इक्वल टू टू पर वैल्यू है वो कितनी हो गई नाइन। हम कोई और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं कि अगर सपोज करो कि हमारे पास है पी एक्स इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये कोई पॉलिनोमियल है, इस पे हमें एक्स इक्वल टू वन बाई टू पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो करना वही है कि एक्स के प्लेस पे क्या रखेंगे हम वन बाई टू रखेंगे, तो ये हमने एक्स के प्लेस पे वन बाई टू रखा, तो ये कितना हो जाएगा टू, और ये कितना होगा वन बाई टू का स्क्वायर माइनस वन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टू इंटू वन का स्क्वायर वन, और टू टू जो कितना हो गया फोर माइनस वन, ये टू से टू कैंसिल आउट होगा तो कितना बचेगा वन बाई टू माइनस वन, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे टू वन और ये टू बन जा टू, तो कितना बच गया माइनस का वन अपॉन टू। कहने का अर्थ यह है कि अगर हमें किसी भी पॉइंट पर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना है तो उस पॉइंट को एक्स से रिप्लेस कर देंगे, एक्स के प्लेस पे अगर वाई है टी है कुछ भी हो उसे हम रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पॉलिनोमियल की क्या होती है वैल्यू, पॉलिनोमियल की या बहुपद का मान निकल आता है।
अब रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई हमें पॉलिनोमियल गिवन है, सपोज कीजिए कि पी वाई इक्वल टू हमें गिवन है वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस वन, और ये कह रहे हैं कि y माइनस वन इसका कोई फैक्टर है, अगर ये आप ये कह रहे हैं कि अगर हम इसको y माइनस वन से डिवाइड करते हैं, तो अगर हमने इसको y माइनस वन से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना होगा, शेषफल कितना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे लेट y माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो y इक्वल टू कितना आया, वन। हम क्या करेंगे, ये जो y की वैल्यू है वन, इसको हम रिप्लेस कर देंगे तो y वन, तो यहाँ पे जो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी वही हमारा रिमाइंडर होगा, टू बन जा वन प्लस वन, तो ये कितना हो गया वन, टू बन जा टू प्लस वन, तो ये क्या देखते हैं टू माइनस टू, तो ये कितना बच गया जीरो, तो ये क्या हो गया इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर हो गया। अगर किसी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर जीरो आता है तो हम यह कह सकते हैं कि वह जो जिससे हमने डिवाइड किया है y माइनस वन वह उसका फैक्टर है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं y स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस वन का फैक्टर y माइनस वन है।